हेलो दोस्तों, मातृत्व स्मार्ट को आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोनालिका DI-47 RX, जो कि रोटावेटर पे चल रही है, मतलब कि RX मॉडल नॉर्मल मॉडल है, और एक चल रहा है सिकंदर मॉडल, सोनालिका DI-47 RX सिकंदर मॉडल, मतलब कि दोनों में ही रोटावेटर मतलब कि अटैच हुआ है, दोनों में ही 6 फीट का रोटावेटर है। और ये जो चल रहा है ये सोनालिका की रोटावेटर है, और वो जो चल रहा है पीछे मेरा बैक साइड में चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, वो अन्नपूर्णा के रोटावेटर के साथ चल रहा है। तो दोस्तों मतलब कि कौन सा रोटावेटर अच्छा चल रहा है, वो कौन सा ट्रैक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका परफॉर्मेंस, देखिए इसका, और दोस्तों दोनों में ही एक ही गियर में चल रहे हैं, लेकिन जूता गहराई में, मतलब कि रोटावेटर पे गहराई पे बात है, लेकिन दोनों में ही सेम परफॉर्मेंस लगभग आएगा, तो वो आपको देख के बताइए कौन सा बेस्ट है। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरे किसान भाई के पास शेयर कर दीजिए। जो सोनालिका की DI-47 या सोनालिका किसी भी मॉडल देखने खरीदने से पहले ये वीडियो देख लीजिए, कौन सा बेस्ट है, सिकंदर मॉडल लेना चाहिए या RX मॉडल, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बैक साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो सोनालिका सिकंदर चल रहा है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो सोनालिका DI-47 RX सिकंदर मॉडल है, और ये भी 6 फुट का रोटावेटर से चल रहा है, और मतलब कि दोनों में अंतर में तो मतलब कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस आवाज़ इसमें देख सकते हो थोड़ा अलग आ रहा है, इसमें थोड़ा स्मूथ साउंड आ रहा है जो कि पहले दिखाया है सोनालिका DI-47 RX मॉडल में नॉर्मल में, और सिकंदर मॉडल में थोड़ा आवाज़ थोड़ा अलग सा आ रहा है। परफॉर्मेंस तो लगभग दोनों में सेम ही आएगा, वो अन्नपूर्णा के रोटावेटर चल रहा है, और अब मैं पहले जो दिखाया था वो सोनालिका की रोटावेटर में चल रहा था, तो ये देख सकते हैं परफॉर्मेंस, आप खुद ही जज कर लीजिए।